जय श्रीमन नारायण। मित्रों मित्रों, महर्षि पाराशर वृहत पाराशर होरा शास्त्रम के 19वें अध्याय में सप्तम भाव फलाध्याय लिखते हुए पत्नी के संपूर्ण स्वभाव स्वास्थ्य एवं अनेकों जानकारियां देते हैं तथा बिजनेस के विषय में, पार्टनरशिप के विषय में, मित्रों के विषय में एवं डेली बेसिस के जीवन में घटने वाली घटनाओं के विषय में संपूर्ण जानकारी देते हुए 42 श्लोकों में बतलाते हैं और उनमें से आज के पहले हमने 21 श्लोकों का वर्णन कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब पर जाइए और वहां जाकर के शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान से परिपूर्ण अनेक अनेक वीडियोज को देखिए और आनंद उठाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम 22वें श्लोक को देखते हैं कि महर्षि पाराशर विवाह के समय के विषय में बतलाते हैं कि आपका विवाह कब होगा, ये कैसे देखा जाए। ठीक है, तो चलिए 22वें श्लोक को देखते हैं। तो कहते हैं कि दारे से शुभ राशि स्थे स्वच्छ स्वर्क्ष गतो भृगुः पंचमे नवमेब्दे तु विवाह प्राय सो भवेत। कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में आपके कुंडली के सातवें घर का मालिक किसी शुभ राशि में बैठा हो और आपकी कुंडली में आपका शुक्र जो है अपनी स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो तो ऐसे जातक का बाल विवाह संभव है। पांचवे या नवे वर्ष में ही ऐसे जातक का विवाह हो जाता है। तो मित्रों, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप हमारे यूट्यूब पर आइए और वहां आ करके किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने बर्थ डिटेल के साथ में अपना प्रश्न भी लिख करके छोड़ दीजिए। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपके प्रश्न का बिल्कुल निःशुल्क और सटीक उत्तर यूट्यूब पर ही दे देंगे। और यदि आप हमसे अपनी कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हो तो कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के आप अपनी कुंडली के ऊपर हमारे साथ जितना चाहे बृहद डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।